नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फूफा और चाचा हो जाएं सावधान, क्योंकि अगर शादी में गए हैं और मास्क नहीं पहना तो कट जाएगा चालान। दरअसल गुरुग्राम पुलिस इसी तर्ज पर काम कर रही है। हरियाणा में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना से संक्रमित लोगों के, लिहाजा जो साइबर सिटी है गुरुग्राम, उसकी जो पुलिस व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि हर चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं, और वो इस बात का तो ध्यान रख ही रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को कोई जंप ना करे, इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो भी वहां से गुजर रहा है उसने सभी ने मास्क लगाया हो। इन सब के बीच अब शादी में भी पुलिस के पहुंचने की उम्मीद, ये जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल ये बात सामने आई है कि अब पुलिस प्रशासन शादियों में पहुंचेगा, जहां पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाएगी। जिस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, राज्य दर राज्य अपनी अपनी गाइडलाइंस है, कहीं पर 100 लोग, कहीं पर उससे भी ज्यादा कम संख्या में लोगों को एकत्रित होने की जो है बात रखी गई है। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस बैंकेट हॉल्स में पहुंचेगी और जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहां से उनकी छटनी करेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर वहां पर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो वहीं पर चालान कट जाएगा। और देखिए, जो गुरुग्राम पुलिस है इसी कड़ी में काम कर रही है। अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की माने तो लगभग 1000 चालान गुरुग्राम पुलिस काट भी चुकी है। बताया जा रहा है ये उनके चालान कटे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो सड़कों पर से गुजरने वाले लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनका चालान तो कट ही रहा है, लेकिन अब अगर शादी ब्याह में भी अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, फैशन को फॉलो करने की सोच रहे हैं, तो भारी पड़ सकता है ये फैशन। इसलिए अगर आप शादी में, पहली बात तो यही हम आपको सलाह देंगे कि कम से कम आप घर से बाहर निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर ही निकलें। और अगर आप शादी जैसे समारोह में जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो मास्क लगाइए, वरना फिर हम क्या कहें, फिर तो गुरुग्राम पुलिस कहेगी और वहीं पर आपका चालान काटकर आपको आपके घर भेज देगी। तो इस पूरी खबर को लेकर और गुरुग्राम पुलिस जिस तरीके से सतर्कता बरत रही है इसको लेकर आपकी राय हमें जरूर बताइएगा।